सिंध असेंबली में दुनिया न्यूज से बात करते हुए मेंबर सूबाई असेंबली शर्मिला फारूकी का कहना था कि 800 अरब रुपए वफाकी तरक्याती बजट में से सिंध को सिर्फ 12 अरब रुपए दिए गए। इसके अलावा नैब और दीगर एजेंसियों की कार्रवाइयों के सबब बेशतर तरक्याती मंसूबों के टेंडर ही जारी न हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 महीने का मॉरेटोरियम लगा लिया था, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं हो रही थी, कोई भी नई स्कीम नहीं हो रही थी, टेंडर प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। इतना खौफ था नैब का और एजेंसीज का कि कोई भी सेक्रेटरी एक जेन्युइन सही काम करने के लिए भी फाइल पे साइन करने को तैयार नहीं था। दूसरी जानिब बजट तकरीर के दौरान एमक्यूएम के एहतजाज पर सिंध के सूबाई वजीर मंजूर वसान का कहना था कि एमक्यूएम रेंजर्स का गुस्सा हम गरीबों पर निकाल रही है। वो वहाँ रेंजर्स का प्रेशर इनके ऊपर होता है, निकाल लेते हैं, इधर बेचारों का क्या मतलब कहाँ निकाले, यही जगह जो है ना जो गुस्सा रेंजर्स का और उनके उनके खिलाफ भी बात नहीं करते हैं, इधर गुस्सा हमारे गरीबों के ऊपर निकाल लेते हैं। सियासी मुबसरीन का कहना है कि सिंध के अवाम की मुश्किलात हल करने और अवाम को सेहत और सफाई की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर काम करना होगा। कैमरामैन शकील खान के साथ शिराज अहमद, दुनिया न्यूज़, कराची।